ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से लाके देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा, किधर से लाके देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका। अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास दो किडनी होती है तो? लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। तू बापू राव के लिए अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा? है देवा, देव दे, देव मानुष निकला रे तू देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बहू भैया, बहू भैया लग जाएगी। क्या कर रहे हो? मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो? मर्डर हो जाएगा, मजाक कर रहा था भैया। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर है। इसके मुंह में मारो। चलिए शांत हो जाइए, चलिए चलिए आप बाबू भैया, चलिए भाई वाला लेके टमाटर का चटनी दिखा दे कुत्रे। फर्स्ट क्लास खाली खाली हो गया रे, फर्स्ट क्लास। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को आंख नहीं, 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 नहीं बेचने का है। आंख और किडनी नहीं चाहिए। नहीं आप लोग चलो मेरे साथ। नहीं चलो मेरे को बेचने का नहीं। जल्दी आओ, कम ऑन। एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना, धोतर चोर। धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ, गुरु घंटाल आदमी है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है। उन लोग बात कर रहे थे कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे। चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। तो जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या है ना मालूम है आपको? वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे। जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाए तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिस्सा बराबर याद रखते हो? 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे। और ये शेह छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में केस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बकवास कर रहा है ये। हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबू आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं? वो लोग 40 लाख मांगेंगे तो कहाँ से 40 लाख देंगे उनको? बाबू भैया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पप्पू की बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। बाबू यार मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को, बर्बादी की जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो मुझे, फेंक दो, फेंक दे मेरे को, मार कर तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप ठीक से समझिए। ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बरोबर। अरे खाक बराबर है। मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तो समझा श्याम, ये खून करने को नहीं बोल रहा है रे। बाबू भैया गलत रास्ता है ये। यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है। मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं यही सही रास्ता है। सही रास्ता। अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहां से लाएगा राजू? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा उसकी।
तो बाय बाय गाइस, अगर आप लोगों को हमारी फनी कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही गाइस आप लोगों मेरे चैनल पर कॉमेडी वीडियो मिलती रहेगी। तो बाय बाय गाइस। बट गाइस मैं आप लोगों को एक और फिर से बताना चाहता हूँ गाइस, वैसे रात बहुत हो चुकी है आप देख सकते हैं, और वो बात क्या है गाइस, अभी भी कई लोगों के मन में डाउट है कि ये घर जो है मेरा ही है। लेकिन गाइस आप लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं, घर हमारा नहीं है ना गाइस, यहाँ घर है हमारा और ना ही गांव में। गाइस पापा यहाँ पर मजदूरी काम करते थे, इसलिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पर कमरा लिया है। और गाइस आप देख सकते हैं, बनियान को भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहीं से पता लगा सकते हैं कितने कम पैसे गाइस मेरे पास। ये देखिए गाइस ये फट रखी है, ये फट रखी है, ऐसा नहीं है मैंने वीडियो के लिए पहना गाइस, इसके ऊपर मैं सेट पे रखा था, मैंने सेट निकाल दी वीडियो के लिए बस गाइस। तो गाइस आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस, ताकि मैं ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ। तो जैसा है हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।